बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में बिजली व्यवस्था बस्ते बदतर बना हुआ है। ये बिजली अधिकारी से लेकर पावर हाउस के ऑपरेटर भी कंज्यूमर का फोन उठाना मुनासिब नहीं समझते हैं। एक ओर देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है तो वहीं दूसरी ओर बिजली आंख मिचौली कर रही है। बीते दिन प्रखंड क्षेत्र में आई आंधी तूफान से कई पंचायतों में कहीं तार टूट गया तो कहीं पोल गिर गया, देखने तक नहीं आते हैं अधिकारी। रसीदपुर पंचायत के वार्ड नंबर 4 में ग्रामीणों के द्वारा बिजली तार पर गिरे पेड़ को अंत में हटाया गया, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी से लेकर कर्मी देखने तक नहीं आए। ग्रामीण अरुण कुमार चौधरी, रविंद्र चौधरी सहित तमाम लोगों ने कहा कि 72 घंटे हो गए हैं लेकिन अभी तक सप्लाई रसीदपुर पंचायत में नहीं हुआ। बीटी न्यूज़ बिहार के लिए बेगूसराय से प्रभात कुमार की रिपोर्ट। क्या समस्या था? कल आंधी तूफान बारिश आया था, उसमें गाछ पलट गया था, बिजली पर बिजली बाधित था। कल से अभी ग्रामीणों के सहयोग से इसको हाइड्रा से हटवाया गया है और बिजली चालू करवाने का प्रयास किया जा रहा है। बिजली विभाग को सूचना नहीं दिए थे क्या? सूचना दिए थे लेकिन वो बताए कि हमने बहुत प्रयास किया है, बहुत गाछ गिरा हुआ है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, अगर संभव हो तो सहयोग से हटवा दीजिए। इसलिए हम लोग अपना सहयोग करवा करके इसको हटवाए। किस पंचायत का है? रसीदपुर पंचायत। रसीदपुर। आपका नाम? अरुण कुमार चौधरी। मामला था बिजली का, भारी समस्या था, रात में आंधी बारिश के कारण यह पेड़ जो है सो 11,000 पोल तार पर गिर गया। तो बिजली विभाग को सूचना नहीं दिए थे? बिजली विभाग का सूचना मिला है मगर उस पर वो क्या करेंगे, अभी तक आया कोई नहीं। उधर से तो और सब पेड़ गिरा है, वो सब काटते हैं। 48 घंटा ऊपर हो गया। यहाँ ग्रामीण के सहयोग से पेड़ काटा गया? हाँ, ग्रामीण। तारा फ्री हो गया? तारा भी फ्री नहीं हुआ, तारा फ्री कर देते हैं हम लोग। कौन सा था ये? 11,000 का है। 11? कौन सा पंचायत का है? रसीदपुर पंचायत का। क्या नाम हुआ आपका? रविंद्र चौधरी।